डिजिटल पेमेंट करने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम या ऑनलाइन बैंकिंग भी? अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए यूपीआई आईडी का होना बेहद जरूरी होता है। खास तौर पर डिजिटल पेमेंट ऐप के जरिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूपीआई आईडी जरूरी होती है। हालांकि कुछ यूपीआई यूजर्स के लिए ट्रांजैक्शन सर्विस बंद हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि यूपीआई यूजर्स के लिए यूपीआई आईडी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर पिछले एक साल में किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन आपके यूपीआई आईडी से नहीं हुआ है तो उस आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका भी यूपीआई अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। यूपीआई आईडी को एक्टिव करने के बाद आपके एनपीसीआई आईडी को बंद नहीं करेगा। अब ये आपको बताते हैं कि आपको इस इनएक्टिव यूपीआई आईडी को एक्टिव कैसे करना है। तो इनएक्टिव यूपीआई आईडी को एक्टिव करने के लिए आपको किसी के साथ ट्रांजैक्शन करना होगा। इसके अलावा आप चाहे तो किसी तरह के दूसरे भुगतान आप कर सकते हैं, जैसे बिल पेमेंट कर सकते हैं, फोन रिचार्ज कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं। अपने यूपीआई आईडी के जरिए आप इनका अगर पेमेंट कर देते हैं तो इससे आपकी जो डीएक्टिवेटेड आईडी है वो एक्टिव हो जाएगी। और ये काम ध्यान रखना है कि आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले करना है। अगर नहीं करेंगे तो एनपीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि इस तरीके की गाइडलाइन क्यों जारी करी गई है। तो किसी तरह के गलत ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई आईडी की नई गाइडलाइन जारी की। ऐसे में लेनदेन प्रक्रिया गलत यूजर तक नहीं हो सकेगी और इसका किसी तरह का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। गलत इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए, जब लोग अपना नंबर बदलते हैं, फोन नंबर बदलते हैं, तो वो अपने पुराने नंबर से चल रहे यूपीआई आईडी को बंद नहीं करते हैं, या कहे कि वो आईडी को बंद करना भूल जाते हैं, जिससे ये होता है कि महीनों तक बंद नंबर को किसी और के नाम पर दे दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में गलत ट्रांजैक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और हाल ही में फ्रॉड के बहुत ज्यादा मामले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए एनपीसीआई ने ये फैसला लिया है कि जिन यूपीआई आईडी से एक साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है वो डीएक्टिवेटेड है, तो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना नंबर बंद करते हैं उस नंबर से चल रही यूपीआई आईडी को आपको बंद कर देना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी डीएक्टिवेट ना हो तो आप उससे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।